हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी सेफ अपने घर पर ही होंगे। आज हम एक बार फिर आपके साथ क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2nd यूनिट एंड मेजरमेंट लेके आपके साथ प्रेजेंट है। जैसा कि हम इस चैप्टर में डायमेंशंस एंड फर्स्ट एप्लीकेशन विच मींस चेंज द सिस्टम को पहले ही कर चुके हैं बेटा, ठीक है ना। तो इन टॉपिक्स को, जैसा कि मैं बता चुका था, डायमेंशंस फाइंड आउट करना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और विद डायमेंशन ही हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो डायमेंशन वाला पॉइंट हमें पहले, मैं इससे पहली वीडियो में डायमेंशन वाले पूरे पॉइंट को ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये तभी समझ में आने वाली है, ठीक है ना। तो चेक द फॉर्मूला, इसे हम सेकंड एप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं। मैं इसे तीन स्टेप्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमने पढ़ी थी वो था बेटा हमारा चेंज द सिस्टम, जिसमें कि हमने पढ़ा था एमकेएस सिस्टम को कैसे हम सीजीएस में बदलते हैं और सीजीएस को कैसे हम एमकेएस में बदलते हैं। और आज हम जो देख रहे हैं, हमारे पास कोई भी फॉर्मूला होगा, गिवन होगा बेटा, है ना। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि जो हमारा दिया हुआ फॉर्मूला है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, इस चीज़ को अब हमें यहाँ पहचानना सीखना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। किसकी हेल्प से सीखने वाले हैं हम इस चीज़ को? डायमेंशन की हेल्प से बेटा, ठीक है ना। तो इसके लिए डायमेंशन वाला कॉन्सेप्ट एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, जिससे प्रीवियस वीडियो जो है हमारी उसे देखिए, समझिए, और उसके बाद इस टॉपिक को शुरू करेंगे आप, ठीक है ना। और उससे पहले, टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएँ, ठीक है ना, जिससे कि हमारी जो भी वीडियोस आने वाली होंगी वो सब आपके पास नोटिफिकेशन में पहले ही पहुंच जाए। ओके, चलिए तो हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं आज। सेकंड एप्लीकेशन, मैंने बोला चेक द फॉर्मूला, यानी अब कैसे पता लगेगा बेटा हमें कि जो गिवन फॉर्मूला है या दिया हुआ फॉर्मूला है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ओके ना। तो आप सभी ने, चलो हम एक पहले करेक्ट फॉर्मूला लेते हैं। आप सभी ने वी इज गिवन यू प्लस 80, ये एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, और इसे आप बोलते हो बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट, है ना। यही सीखा था हमने, तो एक क्लास 9th में सीखा था। ये तो हमें पता है बेटा कि ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, इसलिए हम इजीली कह देंगे हाँ भाई ये करेक्ट है। लेकिन भाई हम पता कैसे चलेगा, चेक करने के लिए वो हमसे कह रहे, तो हम कैसे पता करेंगे बेटा? तो हम क्या करेंगे बेटा, इसकी LHS साइड और RHS साइड दोनों को कंपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, ठीक है ना। तो वी यूज द डायमेंशन टेक LHS, हम कौन सी साइड ले लेते हैं बेटा पहले LHS। जरा LHS साइड में देखिए हमारे पास क्या गिवन है बेटा, V हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंबल्स लिख देता हूँ बेटा। V हमारे पास, अगर आप भूल गए हैं तो ध्यान रखेंगे, फाइनल वेलोसिटी थी। U हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। A हमारे पास, जैसा कि आप जानते हो, एक्सलोरेशन है। और T हमारे पास टाइम टेकन है, ओके ना। ये सब मैंने इसलिए लिख दिया बेटा जिससे कि इजीली हमारे क्लियर हो जाए। तो LHS में हमारे पास V है बेटा, जिसे हमने फाइनल वेलोसिटी कहा है ना। अब वेलोसिटी की डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी होगी। अब वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सबसे पहले ही है ना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, राइट। ये फॉर्मूला हम वेलोसिटी का पढ़ चुके हैं। अब डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट कर सकते हैं बेटा एस से, और टाइम को डिनोट कर सकते हैं टी से, ओके ना। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, लेंथ हो, ब्रीथ हो, हाइट हो, ये सभी अगर आप देखें तो एक डिस्टेंस ही तो हैं, ये सभी एक लेंथ ही तो हैं भाई। ये जो डिस्प्लेसमेंट मैं कह रहा हूँ, ये दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये भी एक लेंथ हुई। तो लेंथ की जो डायमेंशन होती है बेटा, क्या होती है वो, एल वन अपॉन टाइम। टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी वन, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, वेलोसिटी इज गिवन कितना आने वाला है,
एल वन, देखो ये टी वन ऊपर जाएगा बेटा, किसका होने वाला है माइनस का, तो एल टी माइनस एल वन टी माइनस वन आ चुकी है हमारी वेलोसिटी की डायमेंशन। क्लियर हो गया ये, यानी हम एल एच एस साइड की डायमेंशन निकाल चुके हैं। अगर अब हमारी आर एच एस की भी डायमेंशन बेटा इतनी ही आती है, देन हम कह सकते हैं एल एच एस इक्वल आर एच एस एंड द फॉर्मूला इज करेक्ट। और अगर ये इक्वल में नहीं आता है देन वी कैन से दिस फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट। ओके बेटा, तो चलिए हम ले लेते हैं टेक आर एच एस, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है बेटा U प्लस ए टी, राइट है ना। चलिए U हमारे पास देखो क्या है यहाँ पर बेटा, इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये भी वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन तो हम पहले ही निकाल चुके हैं भाई, वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, चाहे इनिशियल हो या फाइनल हो, ठीक है ना, डायमेंशन तो सेम रहने वाली है एल टी माई एल वन टी माइनस वन। चाहो तो आप रफली अलग से निकाल सकते हो, दिखा भी सकते हो इस चीज़ को, ठीक है ना। फिर है प्लस, प्लस के बाद है ए टी, अच्छा ए एक्सेलरेशन होता है, मैं यहाँ निकाल देता हूँ बेटा। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा अब चेंज इन वेलोसिटी जो होगा बेटा उसे मैं डेल वी लिख सकता हूँ, टाइम टेकन टी। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं वेलोसिटी में से वेलोसिटी को घटाने वाला हूँ तो वेलोसिटी ही बचेगी क्या? करेक्ट, अब वेलोसिटी बचेगी तो वेलोसिटी की डायमेंशन तो हम पहले यूज कर चुके हैं, क्या थी हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशन एल वन टी माइनस वन, राइट अपॉन टाइम टेकन, क्या था हमारे पास टी वन। देखिए जरा ये रहा वेलोसिटी की डायमेंशन एल वन टी माइनस वन, वहां हमने पुट कर दी है और टाइम की टी वन। ओके तो ये टी वन ऊपर जाने वाला है बेटा, तो क्या होने वाला है L1 T1 ऊपर गया, माइनस वन पहले से है माइनस टू। ओके तो ये हो गया L1 T माइनस टू, और देखिए अब इसके साथ इनटू में क्या है बेटा टाइम, और टाइम की क्या होती है T1। ओके तो देखो L1 T माइनस वन प्लस L1 T माइनस टू, देखो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं बेटा, तो L1 तो जैसा है वैसे ही T माइनस टू प्लस वन। ओके देन एल वन टी माइनस वन, और यहाँ पर भी क्या बचा बेटा माइनस टू में से बन गया माइनस वन एल वन टी माइनस वन। अब देखो इन दोनों को ऐड करिए टू एल वन टी माइनस वन। अब ज़रा गौर से देखिए बेटा, यहाँ पर एल एच एस हमारे पास एल वन टी माइनस वन आ रहा था, आर एच एस हमारे पास टू एल वन टी माइनस वन आ रहा है। आप कहोगे सर ये तो इक्वल ही नहीं हो रहे बेटा, हम क्या करते हैं चलिए कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयर कंपेयरिंग, ओके ना, कंपेयरिंग करेंगे तो एल एच एस मैंने बोला किसके इक्वल होना चाहिए बेटा आर एच एस के, चलो चेक करते हैं, ये आ रहा था एल वन टी माइनस वन, और ये कितना आ रहा है टू एल वन टी माइनस वन। बेटा देखो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है टू जो है यहाँ पर, ठीक है ना, तो डायमेंशन या यूनिट्स में इस न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज नहीं करते, तो इसे हम रिमूव कर देंगे, तो देखना आप डायमेंशंस दोनों साइड बराबर आ चुकी हैं क्या, चेक करें जरा एक बार। अब डायमेंशंस अगर हमारे पास दोनों साइड इक्वल हैं तो बेटा हम इजीली कह सकते हैं दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। ओके एक बार अगेन दोबारा देखेंगे इस चीज़ को बेटा हम, मैं एक बार रफली फिर दोबारा से एक बार इसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो मैंने पहले भी बता चुका हूँ जैसा कि इससे पहली वाली वीडियो, देखो मैंने इसमें डायमेंशंस का मोस्टली यूज़ किया है बेटा, और मैंने इससे पहली वीडियो जो डाल रखी है वो डायमेंशन की ही डाल रखी है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद ही ये फॉर्मूलाज आपको क्लियर हो पाएंगे। चलिए हमारे पास गिवन फार्मूला था बेटा, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला हमें करना है वो चेक करना है कि हमारे पास दिया हुआ फार्मूला करेक्ट है और इनकरेक्ट है, तो सेकंड एप्लीकेशन हमने यूज़ इसको नाम दे दिया, क्योंकि इससे पहले जो सिस्टम चेंज किया था उसे हमने फर्स्ट एप्लीकेशन नाम दिया था। इसके बाद मैंने बोला वी इज गिविन होता है यू प्लस ए टी, क्लियर, तो वी इक्वल यू प्लस ए टी हमारे पास, हमें पता है ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है बेटा। ओके लेकिन हमें चेक करना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है ना, तो उसके लिए हमने क्या किया, मैंने बोला एल एच एस लीजिए आर एच एस लीजिए, दोनों की डायमेंशन को पुट कीजिए और चेक कीजिए, अगर डायमेंशन इक्वल आ रही है तो हम कह सकते हैं दिस फार्मूला विल बी करेक्ट, और अगर ये डायमेंशन इक्वल नहीं आती है तो दिस फार्मूला इज नॉट करेक्ट, राइट।
तो वही मैंने यहाँ किया, मैंने LHS लिया, LHS के साथ मैंने इसकी डायमेंशन को फाइंड आउट किया, तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन आई है वो आई है L1T-1। ऐसी मैंने RHS को लिया, RHS की डायमेंशन को फाइंड किया, कैलकुलेशन की, ये आया 2L1T-1। और यहाँ पर मैंने LHS और RHS को इक्वल रखा है, तो मैंने बोला इस न्यूमेरिकल वैल्यू को यूज़ नहीं करते। अब देखिए दोनों साइड डायमेंशन जो है वो सिमिलर है क्या? अब डायमेंशन सेम है, सो वी कैन से दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। ओके, हाँ बेटा, तो सेकंड एप्लीकेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ। अगर आपको समझ में आ चुका है तो मैंने यहाँ पर ये तीन क्वेश्चन पुट किए हैं, ये आपको घर से सॉल्व करने हैं, चेक करना है समझ में क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर ये क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे, मैं फिर इन क्वेश्चन को भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। और अगर आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है s इज इक्वल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड वन वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, और थर्ड वन इज वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, ठीक है ना। ये तीन क्वेश्चन हैं, इनको आपको चेक का फॉर्मूला ही करना है कि ये तीनों क्वेश्चन सही है या नहीं, और गलत है तो कौन सा इसमें गलत है, और सही है तो कौन से सही है, ये कमेंट बॉक्स पे आप लिख कर भेजेंगे। ओके, थैंक यू।